हेलो एवरीवन, दिस इज यश ग्रोवर एंड वेलकम अगेन टू कोड गर्ल्स। सो गाइस, आज के अमेजिंग वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही नया टूल लेके आया हूँ, जिसके हेल्प से आप यहाँ पे इंटरनेट पे हिडन रह सकते हो, मींस एनोनिमस रह सकते हो। ये जो टूल है, ये जो आपकी आईपी एड्रेस होती है उसको यहाँ पे हाइड कर देता है एंड उसकी जगह एक फेक आईपी एड्रेस हमें शो करता है। ये चीज़ हमें तब जरूरत पड़ती है, मान के चलो हम कभी भी किसी कंपनी पे या किसी चीज़ पे, वेबसाइट पे अगर हम पेंटेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे हमारी जो आईपी एड्रेस है वो लीक हो जाए, मींस जो हमारी पब्लिक आईपी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपनी पब्लिक आईपी को यहाँ पे हाइड कर सकते हो एंड उसकी जगह कैसे फेक आईपी को यहाँ पे शो करवा सकते हो। तो ये चीज़ मैं जो आपको काली लिनक्स में बताऊंगा, सेम चीज़ आप लिनक्स पे भी कर सकते हो, कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या टर्मक्स पे भी, एंड्रॉइड पे आप कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्या एंड यहाँ पे एक मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है काली टॉरिफाई जीटब। ओके, सो इसका जीटब का पेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये एक काली टॉरिफाई है। आपको जैसे नाम से इसका पता चल गया होगा कि इसके लिए हमें टॉर सर्विस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आपको नहीं पता कि टॉर क्या है, तो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो। ओके, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके, टर्मिनल को मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ एंड वेट, इसको यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सूडो सू, जिससे हमें रूट का परमिशन मिल जाएगा। देन आपका जो भी पासवर्ड है वो आप डाल दो, डिफॉल्ट पासवर्ड काली होता है। ओके, अब ये इतना चीज़ करने के बाद आपको सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ें वगैरह होती है वो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करना आपको नहीं बताऊंगा, जिससे गेट विट कैसे इंस्टॉल होता है, एपीटी अपडेट अपग्रेड, सब वो आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, उसको करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करना है टॉर सर्विस। तो उसके लिए यहाँ पे आप कमांड डालेंगे एपीटी इंस्टॉल टॉर स्पेस माइनस वाई। ठीक है, इससे जो आपका टॉर होगा वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो टॉर था वो ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, मींस जो अपनी रिपोजिटरी थी काली टॉरिफाई की, उसको हम यहाँ पे आप क्लोन करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल कमांड डालूंगा गेट क्लोन स्पेस एंड जो हमने लिंक अभी जस्ट कॉपी की थी वो हम यहाँ पे डाल के एंटर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे एलएस करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काली टॉरिफाई हमें देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इसके अंदर जाना है, उसके लिए कमांड डालना है सी डी काली टॉरिफाई, देन यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। वेट, ओके, अब हम इस डायरेक्टरी के अंदर हैं। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ कमांड डालना है सूडो मेक इंस्टॉल। ओके, सिंपल ये है, जैसे आप कमांड डाल के एंटर करोगे तो ये जो काली टॉरिफाई है ये हमें सिंपल अब बिन में मिल जाएगा, मीन्स आप उसको कहीं से भी, जैसे कहते हैं ना एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, तो उसके तरह से ये हो जाता है एंड अब आप उसको डायरेक्टली कहीं से भी रन कर सकते हो। अब इसको रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यहाँ लिखना है काली टॉरिफाई स्पेस माइनस माइनस टॉर एंड एंटर। जैसे आप यहाँ पे ये करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका टॉर, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्राम सेटिंग्स चेक होगा, देन यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी स्टार्ट होगी, देन आपका यहाँ पे टॉर सर्विस देखा जाएगा। टॉर सर्विस अगर ऑन नहीं होगा तो उसको एक्टिव किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो चेक पब्लिक आईपी एड्रेस, अब ये हमें चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आईपी एड्रेस था वो यहाँ पे अब चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले हमारा जो आईपी एड्रेस था वो कुछ और था, बट अब हमारा आईपी एड्रेस हो गया है ये। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो सिटी जो है वियना का कोई सिटी है, रीजन है, कंट्री है एटी करके, आई डोंट नो कौन सी कंट्री है, तो ये यहाँ का हो गया। ठीक है, ओके, टाइम जोन हमारा यूरोप का है, और हमारा जो आईपी था वो सक्सेसफुल यहाँ पे चेंज हो चुका है एंड आप देख सकते हो एक्टिवेटेड यहाँ पे सिस्टम अंडर टॉर। अगर अब हम जाके चेक करें, लाइक कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो एंड यहाँ पे अगर मैं जाऊँ dnsleaktest.com, यहाँ से हम जाके अपनी आईपी एड्रेस वगैरह चीज चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप जाके चेक करोगे, वेट आई थिंक इंटरनेट इशू कुछ हो रही है, वेट, ओके नेवर माइंड। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं जो आईपी एड्रेस दिखा रहा है ये नेदरलैंड्स का दिखा रहा है। ओके, ये 192, ये मेरा आईपी है नहीं क्योंकि मैं नेदरलैंड्स में हूँ ही नहीं, ये चीज़ आप जानते हो। ठीक है, अगर मैं उसको फिर से अपनी आईपी को चेंज करना चाहता हूँ मान के चलो, तब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल अब एक कमांड डालूंगा, एक मिनट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे सब क्लियर दिखे। यहाँ मैं कमांड डालूंगा काली टॉरीफाई, ठीक है, देन यहाँ पे मैं डालूंगा माइनस माइनस रीस्टार्ट, ओके एंड एंटर। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा चेंज आईपी एड्रेस। ठीक है, चेक पब्लिक आईपी, अब क्या होगा जो मेरा पहले आईपी था वो यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं अपना यहाँ ब्राउजर ओपन करूँ, आप देख सकते हो अभी नेदरलैंड्स का था, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आईपी चेंज हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सक्सेसफुली जो मेरी आईपी थी वो यहाँ पे चेंज हो गई है एंड अब मैं पहुंच गया हूँ पोलैंड। ओके, तो ये थी बेसिक स्टेप जिससे आप अपने आप को हिडन रख सकते हो, एनोनिमस रख सकते हो इंटरनेट में एंड अपनी आईपी को हाइड करके रख सकते हो कभी भी जब भी आप पिंटरेस्टिंग या कुछ भी कर रहे हो। ओके, सो दिस वॉज द वीडियो। वीडियो कैसी लगी ठीक है कमेंट में बताना, एंड अगर आपको इस टाइप का कुछ कॉन्टेंट और देखने का मन है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं टॉर्च से रिलेटेड एंड काली लिंक से रिलेटेड और भी कॉन्टेंट लेते आऊंगा। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी अवेयर, बी सेफ एंड बाय बाय।